गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है वो पर्सन जो डिपॉजिटरी के साथ मिलकर काम कर रहा है, जो इंटरेस्टेड है डिपॉजिटरी में। तो जो पर्सन इंटरेस्टेड है इन बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट, वो फाइल कर सकता है एप्लीकेशन सेबी के पास थ्रू डिपॉजिटरी अपनी स्पेसिफाइड फीस के साथ। जो डिपॉजिटरी है, जो भी उसे एप्लीकेशन मिली है, जिस दिन से उसे एप्लीकेशन मिली है उसके विद इन 30 डेज उसे उस एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन लेना है। अगर डिपॉजिटरी सेटिस्फाइड है तो वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करेगी सेबी को अपने रिमार्क्स के साथ। अगर एप्लीकेशन इनकम्प्लीट है तो उसे रिजेक्ट वो कर सकती है। जो एप्लीकेंट है उसे अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से पहले कि जो भी उसकी ऑब्जेक्शन है वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर उसे रिमूव कर दे, और ये जो उसे अपॉर्चुनिटी देगी वो देगी एग्जीक्यूटिव कमेटी। जो डिपॉजिटरी है वो फर्दर इंफॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन भी एप्लीकेंट से मांग सकती है। देन है आपका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है जो एप्लीकेंट को मीट आउट करना है फॉर बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट। जो एप्लीकेंट है, मिनिमम क्राइटेरिया जो ले डाउन है सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 1996 में, उसे फुलफिल करना है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फर्स्ट है कि जो एप्लीकेंट है उसे फर्निश करनी है इंफॉर्मेशन, डिटेल्स, अपनी बिजनेस हिस्ट्री जिसमें उसका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस उसके डायरेक्टर्स का और प्रमोटर्स का होगा एप्लीकेंट के। देन जो एप्लीकेंट है वो किसी भी टाइम पे इमीडिएटली 5 preceding years में कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए किसी भी केस में जिसमें मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहा है, सिक्योरिटीज़ है, थेफ्ट है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स, फ्रॉडरी सेक्टर जैसे केसेस में। देन जो एप्लीकेंट है उसको कभी भी एक्सपेल ना किया गया हो, बार ना किया गया हो या सस्पेंड ना किया गया हो सेबी के थ्रू या सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। उसकी जो एप्लीकेशन है, आप अगर उसे सपोज पनिशमेंट मिली हुई है तो उसकी पनिशमेंट का कंप्लीट होने के 3 years के बाद जो है वो अप्लाई कर सकता है, तब आप उसकी जो एप्लीकेशन है उसे कंसिडर कर सकते हैं। जो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी वो 3 crore rupees होनी चाहिए अगर वो आता है इन द कैटेगरी ऑफ स्टॉक ब्रोकर। जो एप्लीकेंट है उसे फर्निश करनी पड़ेंगी डिटेल्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को और ऑथराइज ऑफिशियल्स को जो रिस्पॉन्सिबल होंगे एक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट। जो एप्लीकेंट है उसके पास एडिक्वेट ऑफिस स्पेस होनी चाहिए जो एक्सक्लूसिवली डिपॉजिटरी ऑपरेशंस के लिए यूज होगी। देन जो एप्लीकेंट है उसके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होनी चाहिए इफेक्टिव और सेफ डिपॉजिटरी ऑपरेशंस करने के लिए, जिसमें सिक्योरिटी मेजर्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, रिस्क कमिटमेंट और इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट आ जाती हैं जो स्पेसिफाई की हैं डिपॉजिटरीज ने। देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या होंगी पार्टिसिपेंट्स की। जो पार्टिसिपेंट है उसे एंटर करना पड़ेगा एग्रीमेंट में विद डिपॉजिटरी कि वो बिजनेस करेगा एज अ बिजनेस पार्टिसिपेंट। देन जो पार्टिसिपेंट है वो एक्ट करेगा एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी लाइबल होगा सभी एक्ट्स के लिए जो भी क्लाइंट्स के वो कर रहा है और जो डीम्ड परफॉर्म्ड बाय द पार्टिसिपेंट माने जा रहे हैं। देन जो पार्टिसिपेंट है वो डेबिट और क्रेडिट नहीं करेगा अकाउंट किसी भी क्लाइंट का बिना उससे प्रॉपर ऑथराइजेशन से। देन जो पार्टिसिपेंट है वो मिक्स नहीं करेगा अपनी ओन सिक्योरिटीज़ को क्लाइंट की सिक्योरिटीज़ के साथ और हर एक क्लाइंट का अकाउंट वो सेपरेट मेंटेन करेगा। जो डिपॉजिटरी है वो ऑब्टेन करेगा क्लाइंट डिटेल्स सभी पार्टिसिपेंट से ऑन डेली बेसिस। नेक्स्ट जो हमारा आता है, दैट इज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड क्लाइंट्स। हर एक जो पार्टिसिपेंट है वो प्रोवाइड करेगा राइट्स, ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट उसे आपको प्रोवाइड करवाना है उसको, और एक्नॉलेजमेंट लेनी है क्लाइंट से प्रिस्क्राइब फॉर्म में कि उसने राइट्स और ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट क्लाइंट को प्रोवाइड करवा दिया है। ये जो बायलॉज हैं वो एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं होंगे। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, जो रजिस्टर्ड है विद सेबी और जिसने एग्रीमेंट में जो एंटर किया है पार्टिसिपेंट के साथ डायरेक्टली या थ्रू पावर्स ऑफ अटॉर्नी होल्डर। जो एग्रीमेंट है वो पार्टिसिपेंट को अथॉरिटी देता है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ FII और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कि वो अवेल करना चाहता है सर्विसेज डिपॉजिटरी की, या इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसी जिसने एंटर किया है एग्रीमेंट विद द पार्टिसिपेंट अंडर रेगुलेशन 17 ऑफ द सेबी कस्टडियन ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन 1996।
जो पार्टिसिपेंट है वो ओपन करेगा सेपरेट अकाउंट्स अपने हर एक क्लाइंट के लिए, और उसी अकाउंट में जो हर एक क्लाइंट के बिहाफ पे वो उनकी सिक्योरिटीज को होल्ड करेगा। हर एक पार्टिसिपेंट को जो है वो हर एक पार्टिसिपेंट जो है वो स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रोवाइड करवाएगा, जिसमें ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट होगी और होल्डिंग स्टेटमेंट होगी क्लाइंट को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म और मैनर में। जो पार्टिसिपेंट है वो एक्ट करेगा जो भी क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है उसके अकॉर्डिंग, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर में दी गई हैं अंडर बिजनेस रूल्स। जो पार्टिसिपेंट है वो मेंटेन करेगा सेपरेट अकाउंट हर एक क्लाइंट के लिए और ये इंश्योर करेगा कि उसकी खुद की सिक्योरिटीज क्लाइंट की सिक्योरिटीज के साथ मिक्स ना हो। नेक्स्ट जो आता है दैट इज टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप विद पार्टिसिपेंट। तो जो टर्मिनेशन है उसको कैसे हो सकता है, जो फर्स्ट है बाय नोटिस बाय डिपॉजिटरी, कि बाय नोटिस देकर जो डिपॉजिटरी है अगर टर्मिनेट कर रही है अपनी पार्टनरशिप पार्टिसिपेंट से, तो उस केस में जो ईसी है एग्जीक्यूटिव कमिटी है वो पार्टनरशिप टर्मिनेट कर सकती है पार्टिसिपेंट के साथ, लेकिन उसे 30 डेज का नोटिस उसे देना पड़ेगा। और वो किस किस केस में नोटिस दे के पार्टनरशिप पार्टिसिपेंट के साथ ईसी टर्मिनेट कर सकती है, अगर जो पार्टिसिपेंट है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मेट आउट नहीं कर रहा है, अगर उसकी डेथ हो गई है या इनकैपेसिटेटेड हो गया है पार्टिसिपेंट बीइंग एन इंडिविजुअल, या डिसोल्यूशन हो गया है पार्टनरशिप का पार्टिसिपेंट की, देन अगर जो बॉडी कॉपरेट थी पार्टिसिपेंट की वो जो बॉडी कॉपरेट है अगर पार्टिसिपेंट तो वो वाइंड अप हो गई है, इन द इवेंट की जब पार्टिसिपेंट ने जो बिजनेस है रिलेटेड टू डिपॉजिटरी ऑपरेशन उसको करना बंद कर दिया है। नेक्स्ट इज अगर डिपॉजिटरी जो है उसके पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने का कि जो पार्टिसिपेंट है वो अनेबल है अपने ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए। इन द इवेंट ऑफ एनी डिस्ट्रेस एग्जीक्यूशन और अदर प्रोसेस जो लीवे किया गया है या इन्फोर्स है या सर्वेड अपॉन होता है अगेंस्ट एनी प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिसिपेंट, अगर बैंकरप्सी हो गई है, लिक्विडेशन हो गया है, वाइंडिंग अप हो गया है पार्टिसिपेंट का, या इंटीमेशन किसी प्रोसीडिंग का उसको मिला है, उस केस में आप टर्मिनेट कर सकते हो। अगर अपॉइंटमेंट हुआ है कोई रिसीवर का एडमिनिस्ट्रेटर का ओवर द एसेट्स ऑफ पार्टिसिपेंट, देन फेल अगर वो हो रहा है कोई भी फीस या अदर चार्जेस जो रिक्वायर्ड है बाय लॉज के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पे करने के लिए, अगर फेलियर हुआ है पार्टिसिपेंट की तरफ से जो भी ऑब्लिगेशंस अराइज हो रही हैं बिकॉज ऑफ इंडेमनिकेशन ऑफ द डिपॉजिटरी उस केस में बाय द पार्टिसिपेंट, देन अगर डिपॉजिट के पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि जो पार्टिसिपेंट है वो नेग्लिजेंट है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फ्रॉडुलेंट है, डिसऑनेस्ट है अपने कंडक्ट में, या कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसने दिया है या ओमिट किया है कोई भी मटेरियल फैक्ट, उस केस में आप उसका जो एग्रीमेंट है जो एडमिशन था उसको टर्मिनेट आप कर सकते हैं। अगर पार्टिसिपेंट ने वायलेट किया है कोई बिजनेस रूल प्रोसीजर या ब्रीच किया है कोई एग्रीमेंट डिपॉजिटरी के साथ, या फिर सेबी ने कैंसिल किया है सस्पेंड किया है पार्टिसिपेंट का रजिस्ट्रेशन, अगर पार्टिसिपेंट एक मेंबर है स्टॉक एक्सचेंज का और जो स्टॉक एक्सचेंज है उसने उसे एक्सपेल कर दिया है या जो उसकी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस थी उसको सस्पेंड कर दिया है, उस केस में या डिपॉजिटरी के पास रीजनेबल ग्राउंड है ये बिलीव करने के लिए कि जो रिलेशनशिप है पार्टिसिपेंट से उसे ख़त्म करना नेसेसरी है, तो इन केसेस में जो टर्मिनेट है पार्टनरशिप पार्टिसिपेंट से वो डिपॉजिटरी कर सकती है। देन है टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप बाय अ पार्टिसिपेंट, ऊपर हमने जो पढ़ा वो था अगर डिपॉजिटरी टर्मिनेट करता है, अब जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अगर पार्टिसिपेंट टर्मिनेट करना चाहता है, तो जो पार्टिसिपेंट है वो भी टर्मिनेट कर सकता है अपना रिलेशनशिप डिपॉजिटरी से नोटिस देके जो 30 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। नोटिस मिलने के बाद डिपॉजिटरी जो है वो नोटिफाई करेगा पार्टिसिपेंट को, अदर पार्टिसिपेंट्स को, क्लाइंट्स के जो हैं पार्टिसिपेंट्स के उनको और सभी को विद इन 7 डेज। देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे टर्मिनेशन के, जो पार्टिसिपेंट है वो कलेक्ट करेगा सारा कोलेट्रल कलेक्ट करेगा जो भी उसने डिपॉजिटरी के पास है, जो मतलब जो पार्टिसिपेंट है और जो भी सारा उसका कोलेट्रल हेल्ड करके रखा है डिपॉजिटरी ने उसे वो कलेक्ट करेगा। देन लेकिन जो डिपॉजिटरी है उसके पास राइट है कि अगर पार्टिसिपेंट का कोई भी अमाउंट ड्यू है तो उस अमाउंट को वो पहले कट ऑफ करेगी, उसके बाद जो उसका कोलेट्रल है उसे वो वापस करेगी। देन जो टर्मिनेशन है पार्टिसिपेशन का डिपॉजिटरी में
पार्टिसिपेंट का, वो उसकी जो भी राइट्स लायबिलिटी पार्टिसिपेंट की थी जो उसने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होने से, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप टर्मिनेट होने से पहले की थी, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा है कि जो डिपॉजिटरी है वो एंटाइटल्ड है, कोई भी जो उसके अर्लियर क्लेम्स हैं या राइट्स हैं पार्टिसिपेंट के, उसको सेट ऑफ करने के लिए उस अमाउंट से जो ड्यू है डिपॉजिटरी को या किसी और अदर पर्सन को जो एंटाइटल है क्लेम के लिए थ्रू दी डिपॉजिटरी। देन जो पार्टिसिपेंट है वो मीट करेगा अपने सारी जो भी उसकी आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन है पार्टी डिपॉजिटरी को। जो भी क्लाइंट उनके हैं उसके, उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो अपनी सिक्योरिटीज दूसरे पार्टिसिपेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या अपनी सिक्योरिटीज़ को रीमटीरियलाइज करवा सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर जब उन्हें जो इंटीमेशन है वो रिसीव हुआ है। इन केस जो क्लाइंट्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द पार्टिसिपेंट, जो पार्टिसिपेंट है वो रिक्वेस्ट कर सकता है डिपॉजिटरी को कि उसके क्लाइंट्स का जो अकाउंट है वो उसके बिहाफ पर मैनेज करे। देन आते हैं बिजनेस रूल्स। बिजनेस रूल्स क्या होते हैं? बिजनेस रूल्स में जो भी मैनुअल्स, नोटिसेस, सर्कुलर्स जो में जो भी प्रैक्टिसेस, प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट मेंशन है रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द डिपॉजिटरी सिस्टम, वो सारे बिजनेस रूल्स में आते हैं। जो बिजनेस रूल्स हैं उन्हें फॉर्मुलेट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एग्जीक्यूटिव कमिटी अपनी फंक्शनिंग और ऑपरेशंस के लिए डिपॉजिटरी की। और ये जो फॉर्मुलेट किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि रेगुलेट की जा सके फंक्शनिंग और ऑपरेशंस पार्टिसिपेंट्स के। ये जो रूल्स हैं वो ऑपरेशन में आते हैं जब, सपोज आपने रूल्स बना लिए, जब आपने उसकी कॉपी को सबमिट करवाया सभी को, तो उसके 7 दिन के बाद वो इम्प्लीमेंट होना शुरू होते हैं, वैलिड होना वो शुरू होते हैं। देन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या जो ईसी है वो फॉर्मुलेट कर सकती है बिजनेस रूल किस किस चीज़ से रिगार्डिंग, रिगार्डिंग फीस, सिस्टम यूसेज चार्जेस, डिपॉजिट्स, मार्जिन्स, मनीज पेबल टू डिपॉजिटरी बाय द पार्टिसिपेंट और बाय द इशुअर्स ऑफ सिक्योरिटीज या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जिनकी सिक्योरिटीज आपने एडमिट की हैं डिपॉजिटरी में डीलिंग्स के लिए। जो भी नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स हैं अप्रूवल के लिए इश्यूअर की और उसके रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स की टू एक्ट एज सच, देन नॉर्म्स विच शैल बी रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द यूजर्स जब वो एज यूजर्स एक्ट कर रहे हैं, देन सुपरविजन मार्केट का फॉर्मुलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स उसके लिए जो फिट समझती है, मेंटेनेंस के लिए रिकॉर्ड्स की, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पस है फंड का सेटअप जो किया है डिपॉजिटरी ने इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट फंड, देन डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए अनाउंसमेंट्स जो प्लेस की हैं डिपॉजिटरी सिस्टम पे, मैनर में किस मैनर में जो अकाउंट्स हैं पार्टिसिपेंट्स के उन्हें रिकनसाइल किया जाएगा विद द रिकॉर्ड्स ऑफ डिपॉजिटरी डेली बेसिस पर, रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी सबमिशन के लिए पीरियोडिक रिटर्न्स की डिपॉजिटरी को और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज, मैनर फॉर्म जिसमें जो पार्टिसिपेंट है वो मेंटेन करेगा कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कम्युनिकेशन जो वो करेगा डिपॉजिटरी से, मैनर और फॉर्मेट जिसमें हर एक पार्टिसिपेंट को सबमिट करनी है अपनी पीरियोडिक रिटर्न्स डिपॉजिटरी को, एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन रिजर्व्स का जो क्रिएट किया है डिपॉजिटरी ने जिसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रिजर्व भी आ सकता है आता है, और कोई भी अदर मैटर जो BOD डिसाइड करती है। तो ये थे आपके बिजनेस रूल्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिपॉजिटरी सिस्टम, इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।